इस साल हमने मुख्तलिफ इवेंट्स जो हैं वो मुनाक़िद कराए हैं और बाज़ इवेंट जो है ना अभी इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में हम इसको मुनाक़िद कराएंगे। जो इवेंट्स हमारे अभी तक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स डायरेक्टरेट ने किए हैं उसमें सबसे पहले इंटर यूनिवर्सिटी गेम्स थे जो कि हमारे सूबे में तकरीबन मोर देन 30 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ थी और उससे जितने भी प्लेयर्स थे 3 गेम्स में क्रिकेट वॉलीबॉल और फुटबॉल और फीमेल के लिए फुटबॉल की जगह बैडमिंटन का गेम था तो मेल और फीमेल के गेम्स हमने मुनाकिद कराए इंशाल्लाह और बड़ी अच्छी तरह जो है ना इसकी ये बड़े अच्छी तरह ये मुनाकिद हुए। इसके साथ साथ इंटर कॉलेजिएट गेम्स भी मुनाकिद हुए हमारे सूबे में मोर देन 290 कॉलेजेस है और सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स यही 3 गेम्स क्रिकेट वॉलीबॉल फुटबॉल और बैडमिंटन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। उसका फाइनल फेज इधर पेशावर में हुआ। इसके बाद एक और इनिशिएटिव था इंटर कंस्टिट्यूएंसी गेम्स। हमारे सूबे में मोर देन 115 कंस्टिट्यूएंसीज है जनरल सीट्स की, इसके साथ साथ 26 रिजर्व सीट्स की जो फीमेल की सीट्स है और 4 माइनॉरिटीज़। इन सब के कंस्टिट्यूएंसी लेवल पे ट्रायल्स हो गए, फिर लोकल लेवल पे उसको हमने 10 रीजन्स में डिवाइड किया था। उधर भी उनकी कंपटीशन वगैरह फाइनल फेज इधर पेशावर में फिर हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जितने भी हमने इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए वो बड़ी बखूबी हमने ऑर्गेनाइज़ भी किए हैं और इसके बड़े अच्छे नतज आ रहे हैं। इसके साथ साथ अभी जो हमारी फ्यूचर प्लान्स है जो इवेंट्स हमने करने हैं वो है एडाप्टिव स्पोर्ट्स, जो हमारे स्पेशल पर्सन है उनके लिए, इसमें ब्लाइंड और ड्वार्फ भी शामिल है। ट्रेडिशनल गेम्स भी हम कर रहे हैं और स्पोर्ट्स हीरोज एवार्ड हमारे सूबे के जो हीरोज़ है उनको भी हम सेलिब्रेट भी करेंगे और उसको रिकग्नाइज भी करेंगे। और इंटर मदारिस कम्पटिशन्स भी इंशाल्लाह हमारी होगी। हमारे सूबे के जितने भी मदारिस है इनके बीच में हम कम्पटिशन्स कराएंगे और उसका फ़ाइनल फेज जो है ना होपफुली पेशावर में या अकोड़ा खटक में हम इसका फ़ाइनल फेज मुनाकिद कराएंगे। तो जिस तरह प्रीवियस ईयर्स हमारे डायरेक्टरेट ने बहुत ज़्यादा इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए तो इस साल भी बाज़ इवेंट्स हमने किए हैं और अभी हमारे फ्यूचर प्लान्स जो है ना उसमें भी ये इवेंट शामिल हैं। मिक्स मार्शल आर्ट्स का जो इवेंट हुआ था मरदान में वो भी हमारे सूबे में अपने नेचर का फर्स्ट इवेंट था। वो भी बड़ा ही अच्छा इवेंट था, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया था और इंशाल्लाह हमारी प्लानिंग है कि पेशावर में भी इसी तरह मिक्स मार्शल आर्ट का एक इवेंट मुनाकिद कराए।